एक बार लता मंगेशकर ने कितने अजीब रिश्ते हैं जहां नामक एक प्यारा सा गीत प्रस्तुत किया। बॉलीवुड संबंधों की प्रकृति को देखते हुए यह गीत वास्तव में समझ में आता है। असली नवाब सैफ अली खान की हाल ही में नियुक्त बेगम करीना कपूर खान हैं। इसके विपरीत शाहिद कपूर मीरा राजपूत के साथ अपनी शादी का आनंद लेते हैं, जो दूसरी पृष्ठभूमि से हैं। करीना कपूर और शाहिद कपूर की ब्रोकन लव स्टोरी में प्यार, जुनून, मिठास और अंत में एक दुखद निष्कर्ष भरपूर है। हालांकि ये दोनों अपने नए साथी के साथ खुशी पाने से पहले कुछ वर्षों तक एक प्रतिबद्ध संबंध में थे, लेकिन चीजें उनके लिए काम नहीं कर सकीं और वे अंततः अलग हो गए। करीना कपूर खान बॉलीवुड की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने 20 से अधिक वर्षों तक इस क्षेत्र में काम किया है। करीना कपूर ने 2000 में रिफ्यूजी के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की। अपने करियर की शुरुआत में हो सकता है कि उन्होंने गलत फिल्में चुनी हों। हालांकि हर गुजरते दिन के साथ उनकी अभिनय क्षमताओं में सुधार हुआ। चमेली के बाद उनका पेशेवर प्रक्षेपवक्र बदल गया। आज उन्होंने उच्च मानक स्थापित किए हैं। इसी तरह शाहिद कपूर को बॉलीवुड के शीर्ष फिल्म अभिनेता के रूप में माना जाता है। 2003 में शाहिद कपूर ने फिल्म इश्क विश्क से शुरुआत की। वह सर्वश्रेष्ठ शुरुआत करने वाले पुरुष अभिनेता के लिए फिल्म फेयर भी घर ले गए। फिल्म इश्क विश्क में शाहिद को देखने के बाद करीना को उनकी सादगी से प्यार हो गया। शाहिद कपूर के करियर ग्राफ ने कुछ अद्भुत ऊंचाइयों के साथ साथ कई असफलताओं को भी दिखाया। आज शाहिद कपूर ने फिल्म व्यवसाय में अपना महत्व दिखाया है। ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों ही आदर्श जोड़ियों में से एक शाहिद कपूर और करीना कपूर थीं। उनके प्यार ने दर्शकों के दिलों को नरम कर दिया। 2003 से 2007 तक करीना और शाहिद गहरे प्यार में थे। मीडिया के सामने अपने संबंधों के बारे में वे भी कुछ मुखर थे, लेकिन कुछ वर्षों के बाद यह विदेशी रोमांस कहीं न कहीं गायब हो गया और दंपति ने तुरंत इसे बंद कर दिया। हर कोई जानता है कि करीना कपूर एक शक्तिशाली महिला हैं, इसलिए इस परिदृश्य में यह स्पष्ट प्रतीत हो सकता है कि शाहिद कपूर ने पहला कदम उठाया था। हालांकि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह कदम शाहिद ने नहीं उठाया था। क्या आप यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि वे कैसे मिले? ठीक है, कोई और सस्पेंस नहीं। करीना कपूर ने शाहिद से संपर्क किया। क्या यह चौंकाने वाली बात नहीं है? करीना कपूर ने कॉफी विद करण में कहा कि उन्होंने शाहिद कपूर की ओर पहला कदम रखा। करीना कपूर को शाहिद कपूर की पहली फिल्म इश्क विश्क के तुरंत बाद उनके आकर्षण से प्यार हो गया। करीना ने कहा कि वह अक्सर मुलाकातों के लिए शाहिद को मैसेज करती थीं। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्होंने खुद को शाहिद से शादी करते हुए देखा था। फिर भी परीक्षा जल्दी ही समाप्त हो गई, जब शाहिद और करीना ने 2004 की फिल्म IDA में साथ काम किया तो उनका रोमांस और भी दूसरे स्तर पर पहुंच गया। शाहिद ने एक इंटरव्यू में करीना के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया। शाहिद और करीना को पहली नजर में ही प्यार हो गया था। वे तेजी से जुड़े। शाहिद और करीना ने मिलने के एक हफ्ते बाद डेट करना शुरू कर दिया। यह जोड़ी हमेशा अपने रिश्ते के बारे में खुली रही है और करीना कपूर हमेशा शाहिद के साथ अपने कनेक्शन के बारे में खुलकर बात करती थीं। इस जोड़ी ने शुरू में अपने संबंध पर चर्चा करने से परहेज किया। एक साल बाद चीजें बदल गईं और उन्होंने अपने संबंध को स्वीकार किया। मीडिया के सामने भी शाहिद और करीना एक दूसरे के बहुत करीब लग रहे थे। उस समय प्रमुख चर्चा उनकी केमिस्ट्री पर थी। करीना शाहिद का दावा है कि उम्र ने उनके लिए काम किया।
उसने कहा कि वह उसके साथ अपना सामान्य रूप हो सकती है क्योंकि वह उसकी उम्र के आसपास था। उस समय करीना और शाहिद की ऑन स्क्रीन शानदार केमिस्ट्री थी। दोनों ने एक साथ कुछ फिल्में की हैं, लेकिन उनके ऑन स्क्रीन रिश्ते ने दर्शकों को आकर्षित नहीं किया। पहली बार इस फिल्म में करीना कपूर और शाहिद कपूर को देखा गया था। फिर भी यह जोड़ी विरोधी पक्षों में थी। इस रिश्ते ने दर्शकों को बहुत अधिक संतुष्ट नहीं किया। इसके बाद शाहिद और करीना ने मिलेंगे मिलेंगे, 36 चाइना टाउन और चुप चुप के में एक साथ काम किया। लेकिन जब तक उनके करियर में जब वी मेट नहीं आई, तब तक ये सभी फिल्में दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। वह इम्तियाज अली की फिल्म थी। जिन लोगों को उन्होंने चित्रित किया वे बहुत वास्तविक लग रहे थे। बेशक दर्शकों ने तुरंत उनसे संपर्क किया। लंबे समय से दर्शक गीत, करीना कपूर और आदित्य के बीच रोमांस और चमक के लिए तरस रहे थे। शाहिद कपूर जब वी मेट का निर्माण 2007 में शुरू हुआ था और 9 साल बाद करीना कपूर और शाहिद कपूर को एक बार फिर उड़ता पंजाब नामक फिल्म में देखा गया। हालांकि उनके साथ कोई दृश्य नहीं था। इस विस्तारित समय अवधि में दोनों के बीच समीकरण विकसित हुए। उन सभी के लिए जो अलग हो गए थे, यह एक संतुष्ट और प्यार करने वाली जोड़ी लग रही थी। लगभग 5 साल बीत गए जब शाहिद कपूर और करीना कपूर एक रिश्ते में थे। बॉलीवुड में बड़ी चर्चा उनका उभरता हुआ रिश्ता था। लेकिन 2006 में यह जोड़ी अलग हो गई और उनके टूटने से समर्थकों के दिलों को भी नुकसान हुआ। क्या आप इस प्यारे रिश्ते के अंत का कारण खोजना चाहेंगे? आपको यहाँ कुछ चौंका देने वाली सच्चाई से कुछ दिलचस्प जानकारी मिल सकती है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि करीना और शाहिद के ब्रेकअप का मुख्य कारण करीना की मां बबीता और बहन करिश्मा थीं। दोनों ने करीना और शाहिद के बीच रोमांस का विरोध किया। जब वी मेट शॉट के रूप में शहीद और करीना के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, एक प्यार करने वाले पक्षी के रूप में उन्होंने इसे कभी भी अंतिम फिल्म नहीं माना जो वे एक दूसरे को देखेंगे। हालांकि इससे पहले कॉफी विद करण में करिश्मा ने घोषणा की थी कि वह शाहिद और करीना के रोमांस का समर्थन करती हैं, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। करीना को लगातार बबीता और करिश्मा ने शाहिद से अलग होने के लिए प्रोत्साहित किया। शाहिद के लिए करीना ने स्पष्ट रूप से फिल्म निर्माताओं को शाहिद को उनके विपरीत रखने के लिए प्रेरित किया। लेकिन बबीता ने शाहिद पर अपनी बेटी के तीव्र झुकाव पर आपत्ति जताई। वह इसे वास्तव में अशिष्ट मानती थी। चूंकि करीना और शाहिद अलग अलग फिल्म परियोजनाओं पर काम कर रहे थे, इसलिए उनके मतभेद स्पष्ट रूप से स्पष्ट थे। करीना कपूर 2007 में टशन की शूटिंग कर रही थीं, शाहिद कपूर उसी समय किस्मत कनेक्शन की शूटिंग कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार करीना को शाहिद कपूर और उनकी सहकलाकार विद्या बालन के बीच संबंधों के बारे में जानना कुछ परेशान करने वाला लगा। टशन की शूटिंग के दौरान सैफ अली खान करीना कपूर के रोते हुए कंधे बन गए। उस समय वे एक दूसरे के करीब भी आ रहे थे। कुछ सूत्रों के अनुसार करीना कपूर और शाहिद कपूर का जब वी मेट की शूटिंग के दौरान ब्रेकअप हो गया था। लेकिन मुझे एक और दिलचस्प विवरण भी मिला है। करीना ने कॉफी विद करण के सीजन 6 में दावा किया था कि सैफ उनके गाने चालिया चालिया की शूटिंग के लिए रुके थे। एक सुबह ग्रीस में सैफ ने भी उसे शादी का सुझाव दिया। इस प्रकार जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह एक रहस्य है कि वास्तव में कब क्या हुआ। करीना कपूर और शाहिद कपूर की टूटी हुई प्रेम कहानी अभी भी बीटाउन में ध्यान आकर्षित करती है। हालांकि दोनों साल पहले अलग हो गए थे, लेकिन उनके प्रशंसक अभी भी उन्हें फिल्मों में एक साथ देखना पसंद करते हैं। समर्थकों के लिए यह कुछ हद तक निराशाजनक था क्योंकि शाहिद और करीना के बीच प्यार टिक नहीं पाया।
करीना कपूर और शाहिद कपूर की टूटी हुई प्रेम कहानी एक ऐसी चीज थी जिसे दर्शक कभी नहीं देखना चाहते थे। हालांकि आज वे दोनों अपने बच्चों और साथी के साथ अपने जीवन में वास्तव में संतुष्ट दिखते हैं। करीना कपूर को शाहिद कपूर से अलग होने के बाद सैफ अली खान में जीवन के प्रति अपने जुनून का पता चला। करीना के डेटिंग शुरू करने से बहुत पहले सैफ अपनी पूर्व पत्नी अमृता सिंह से अलग हो गए थे। करीना और सैफ ने कुछ वर्षों तक डेट किया। 16 अक्टूबर 2012 को उनकी शादी हुई। निश्चित रूप से यह एक शाही शादी थी। अपने वैवाहिक जीवन में सैफ अली खान और करीना कपूर खान वास्तव में संतुष्ट और सहज प्रतीत होते हैं। और करीना ने 20 दिसंबर 2016 को अपने खूबसूरत बच्चे तैमूर अली खान पटौदी को जन्म दिया।